देखो मैं ये पेंट कर रही हूँ। अरे वाह, कितना सुंदर पेंट किया दिया। पता है मैंने सबके लिए शक्करपारे बनाए। यम्मी, मेरी फेवरेट है। हाँ, उन्हें रखने के लिए ना मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं बर्नी लेने आई हूँ। मेरी माया, मेरी बर्नी। कौन सी बर्नी? आम का अचार दिया था ना भर के, वो वाली बर्नी। वो तो मैंने वापस कर दी मम्मी जी। अच्छा हाँ दादी, चलो ना मेरी न्यू ड्रेस देखने चलते हैं। बाद में जा, पेंट कर। माया, अगर तूने वो बर्नी मुझे दी होती ना तो मुझे याद रहता। वो बर्नी बहुत पुरानी है, मेरी माँ की दी हुई। मेरी रसोई में ना उसके लिए खास जगह बनाई है मैंने। इस वक्त वो जगह खाली है। मुझे याद है मम्मी जी, बर्नी देते वक्त आपने मुझसे यही बात कही थी, इसलिए मैंने बर्नी वापस दी। तो फिर से ढूंढ ले, तब तक तेरी जली हुई दाल मैं ठीक कर देती हूँ। मम्मी जी, अगर बर्निया होती तो आपको आपके डेली इंस्पेक्शन में देखी होती। बर्नी है तो इसी घर में ना, मिल जाएगी। चल बेटा दिखा ड्रेस। वो पिंक कलर की है। अच्छा माया, किसका दिया ज्यादा अच्छा है, आलिया का या मेरा? बाद में। मम्मी जी कहाँ? भाई कौन सी आग लग गई? अरे पापा जी ने खीर पे धावा बोल दिया। क्या किया उन्होंने? एक एक करके किशमिश निकाल के चूस रहे और फिर उसमें वापस भी डाल रहे। बेटी बर्नी मिल जाए ना तो मुझे फोन कर देना। मम्मी जी मैंने कहा ना बर्नी यहाँ नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। क्या है ना बेटा, वो बर्नी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरी मम्मी जी का देहांत हुआ था ना तो उसी में डाल के उन्हें हरिद्वार ले गए थे। तेरी, और आप उसी में बिस्किट और अचार रखती जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। माया, जब भी घर की सफाई करोगी ना, जब भी, तो उसे ढूंढ लेना, ओके? मम्मी जी, ध्यान से सुनिए, बर्नी यहाँ नहीं है। तू नाराज है मुझसे? मम्मी जी, बर्नी यहाँ नहीं है, और मैं ये बोल रही हूँ लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि मेरे घर में नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने इधर उधर रख दियो। नहीं। तो क्या, क्या मैं चोर हूं? मैं झूठी हूं? मैं झूठी चोर हूं? ओ तेरी। मम्मी जी मैं बहुत दुखी हूं, मैं कब से सच बोल रही हूं लेकिन आप मेरा विश्वास ही नहीं कर रही है। एक मिनट माया, रुक जा। तू नाराज है ना, गुस्सा है? सॉरी, माफ कर दीजिए। थैंक यू। रात का डिनर हमारे यहाँ है, याद है ना? चलो मैं चलती हूँ, मेरे किशमिशों की ना इज्जत खतरे में है। डॉली वालिया ने माफी मांगी। माफी मांगी और वो भी तुमसे? क्या हुआ सुमित, आज मम्मी जी ने पहली बार मेरी बात सुन ली, और सुनी नहीं मान भी लिया कि कभी कभी वो गलत हो सकती है। मम्मा, दादी इसको ही ढूंढ रही थी क्या? ओ तेरे की। आलिया, ये बर्नी तुम्हें कहाँ मिली? आपने ही मुझे दी थी। हाँ? ओ तेरी की। माया, ये क्या किया तुमने? एक मिनट, ऐसा हो ही नहीं सकता। आलिया, मैंने तुम्हें ये बर्नी कब दी थी? मैंने आपसे पूछा कि मैं इसमें किरण डाल दूँ, तो आपने कहा हाँ। ओ तेरी की। मुझे तो ये बात बिल्कुल याद नहीं है। बेटा,
ये भरनी आप मुझे दे दो। शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा काम किया है। ये 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 चॉकलेट लो और अपने कमरे में अवी के साथ खेलो। हाँ, थैंक यू मम्मा। मुझे याद है कि मैं घर का काम कर रही थी और बच्चे बार बार कुछ मांग रहे थे और आलिया ने काम के बीच बनी मांगी होगी और मैंने बिना ठीक से सुने हाँ कह दी होगी। मेरी आदत है, बच्चे जो कहते हैं मैं मान लेती हूँ, घर के काम में बिजी जो रहती हूँ। पता है सबसे बुरी बात क्या है कि मम्मी जी को पता था कि वो सही है लेकिन तब भी उन्होंने तुमसे माफी मांगी। मैं क्या करूं सुमित, अब मैं क्या करूं? क्या करोगी? वरनी तो मम्मी जी को वापस करनी पड़ेगी। तुम पागल हो गए हो? पता है मम्मी जी क्या हाल बनाएंगी, कच्चा खा जाएंगी मुझे। मम्मी जी कभी कुछ कच्चा नहीं खाती, कायदे से भून कर पका कर ही खाएंगी। सुमित, माया वरनी तो वापस करनी पड़ेगी, चाहे मम्मी जी तुम्हें भूने या तले। जिंदगी में पहली बार मेरा पलड़ा भारी था सुमित। सिर्फ 30 सेकंड के लिए। क्या कमाल के 30 सेकंड थे वो। वो 30 सेकंड भी क्या 30 सेकंड थे। हाय, गुजरा जमाना। नहीं सुमित, वो जमाना नहीं गुजरेगा। मतलब? मतलब आज इस बरनी की बलि चढ़ानी होगी। क्या? इसके अंतिम संस्कार का वक्त आ चुका है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माया, ये बन्नी नहीं है, ये साक्षात हमारी नानी है। पता है इस बन्नी से मैंने कितने सारे लड्डू खाए हैं और देसी घी की पिन्निया, बेसन की बर्फी, मटरी। ये बन्नी नहीं, बस एक कनस्तर है, एक कनस्तर और कुछ नहीं। तो इसकी तारीफ करना छोड़ो और इसे ठिकाने लगाने के तरीके ढूंढो। एक मिनट माया, सब इंस्पेक्टर रजनीश वालिया कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी आंखों के सामने कोई जीता जागता सबूत मिटाए और फिर ये तो मेरी नानी है, वापस करो। सोचो मम्मी जी इस बरनी से कितना प्यार करती हैं। ओके फाइन, तुम दोनों सही कह रहे हो, मैं जाके ये बरनी वापस कर देती हूँ। मम्मी जी मुझ पे जितना भी चिल्लाएंगी मैं चुपचाप सब कुछ सह लूंगी। अगर ये बरनी मैंने मम्मी जी को वापस लौटा दी तो मम्मी जी को 100% यकीन हो जाएगा कि वो हमेशा सही होती है। भैया आप सोचो, आप मम्मी जी से कहोगे, मम्मी जी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप इस लड़की के बारे में गलत हो, तो मम्मी जी कहेंगी अच्छा बरनी के बारे में भी गलत थी। और तुम कहोगे मम्मी जी आप गलत हो, आया के जगह वॉशिंग मशीन होनी चाहिए घर पे, तो मम्मी जी कहेंगी अच्छा बरनी का किस्सा भूल गया मोनू। पर मुझे क्या, तुम दोनों भाइयों को जो ठीक लगे वो। वैसे है तो ये सिर्फ बरनी। सुमित? मैं अपनी पीठ कर रहा हूं, मेरे पीठ पीछे तुम दोनों को जो करना है वो करो। ठीक है तो मैं इसे फेंक देती हूं और ये राज हम तीनों के साथ शमशान घाट तक जाएगा।
माफ करना बहन जी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मौसम कितना सुहाना है ना। नानी जी का अंतिम संस्कार हो चुका है। थैंक यू। मेरा तो बदन कांप रहा है। भैया आप मेरा साथ दोगे ना? और कोई चारा भी तो नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए। सुमित तुम औरत नहीं हो, मैं शैतान का रूप हो। चलो बच्चों, दादी माँ के यहाँ डिनर पे जाना है। चलो सुमित। हाँ हाँ माया, तुम तैयार तो हो जाओ। मैं तैयार हूँ सुमित। आलिया कहाँ है? आलिया माया, हाँ तुम यही कपड़े पहन के जाओगी क्या? यार मैं जीतने ही वाला था। माया ये क्या है? तुमने तो इसका अंतिम संस्कार कर दिया था। हाँ, वो सीढ़ी के पीछे बड़े कूड़ेदान में डाल दी थी। आलिया तुम्हें ये बर्नी कहाँ से मिली? कूड़ेदान से, टॉफी ढूंढ रही थी। कूड़ेदान में टॉफी? माया तुम इनको खाना नहीं देती? Stop it, Sumit. अब इस बर्नी का क्या करें? क्या करें? चुपचाप से इस मनुष्यत को ना वापस कराते हैं। तुम ना मम्मी जी को जाके कहो कि सारी गलती तुम्हारी थी, बर्नी एक्चुअली हमारे घर पे ही पड़ी हुई थी। नहीं, हम ना इस बर्नी को चुपके से नीचे लेके जाएंगे, वहां किसी कोने में छुपा देंगे। एक दिन जब मम्मी जी को ये बर्नी मिलेगी, तब उन्हें एहसास होगा कि गलती तो उन्हीं की थी। पर गलती उनकी नहीं थी। सुमित, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? माया नहीं, माया माया ये पपी डॉग वाली शक्ल मत बनाओ। अच्छा ठीक है। मम्मी जी, आपकी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। पुरानी है फिर भी थैंक यू, थैंक यू। देखे ना, पिंडी छोले बनाए आपकी रेसिपी से। चलिए चक्के बताइए कैसे बने। चलिए चलिए चक्के। हाँ। तुमने बनाए ना, अच्छे ही होंगे। जैकेट क्यों पहनी है? मम्मी जी थोड़ी सर्दी लग रही थी। हाय, बुखार है क्या? मम्मी जी बुखार नहीं है, ये जैकेट इतनी झकास है कि पहन ली। अच्छी है। मैंने दी थी क्या? मम्मी जी मुझे लगता ना छोले अच्छे नहीं बने, ठीक से गले नहीं है। नहीं नहीं गले होंगे। मम्मी जी मैं कितनी बुरी कुक हूँ, मुझे सबके सामने बेइज्जती नहीं करवानी ना। हाँ, बोल रहे। तो चलिए ना, हेल्प कीजिए ना प्लीज। अभी? हाँ अभी आती हूँ। ओके। हेलो जी। कुछ नहीं, अब तो ये यहाँ क्यों है? तो चुप करेगा, मैं इसे छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, मदद कर। ओ, मैं इसे हाथ नहीं लगाने वाला। हाँ तूने प्रॉमिस किया था कुछ भी हो जाए। तो तब मुझे तो ना पता था कि बर्नियों के भी भूत होते हैं।
आप यहाँ पे भी। मैं ये बताने आई थी कि खाने में ना 15 मिनट लगेंगे। क्या है, छोले है ना, काफी काम करना पड़ेगा उस पर। माया ने बनाया ना। आप अपना पूरा टाइम लीजिए मम्मी जी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मोनू मैं क्या कह रही हूँ, मैं कब से तुझे गले लगाना चाहता था। थैंक यू भैया जी, हैप्पी पुलिस डे टू यू। नानी को संभाल के पकड़। तुम दोनों को ऐसे देख के ना मेरे दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोनों में कितना प्यार है। मैंने कितने अच्छे संस्कार दिए ना तुमको। मम्मी जी आप तो वर्ल्ड में बेस्ट है। और इस छोटू से तो मैं बचपन से प्यार करता हूँ। सुनो जी, जरा बाहर आओ ना, देखो तुम्हारे बेटे कैसे मिल रहे हैं। अबे लड़ाई हो रही है क्या? नहीं, गले लग रहा है। तो झाड़ू से मार उनको, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक दे दे। ये तो क्या म्यूनिसिपैलिटी का मीटर है तुम्हारा? छोड़, लॉकअप की बू आती है तुझसे, चुम्मी देने की क्या जरूरत थी? वो मैं रोल में थोड़ा ज्यादा घुस गया था। हाँ ठीक है, इस को कहाँ छुपाए यार। क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ पे? मम्मी जी यहाँ कैसे आई? तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था ना। ये बर्नी मुझे दो, मैं छुपाती हूँ। इतनी गर्म क्यों है? जाने दो, जाने दो। तुम लोग किचन में जाओ, मम्मी जी को बिजी रखो, जाओ जल्दी। माया ये तो डॉली की बर्नी है ना? नहीं। एक मिनट, अरे ये तो वही बर्नी है जिसके लिए डॉली ने चिल्ला चिल्ला के कान के पर्दे फाड़ दिए। प्लीज मम्मी जी को मत बताइए, उन्हें पता चला बर्नी मेरे पास है तो। प्लीज पापा जी मेरी हेल्प कीजिए, बताइए ना मैं क्या करूं। बेटा अब तो एक ही उपाय है, संसार त्याग के हिमालय की ओर निकल जा। मैं कब से पुकार रही हूं, ये मेरी बर्नी है, तुम्हें कहां से मिली? मैंने तेरे से छुपा के रखी थी। क्यों? वो कहना कि ये बर्नी मैंने अपने वो कील और पेच रखने के लिए ली थी, फिर बाद में तूने शोर मचाना शुरू किया तो मैंने छुपा दी। मजा आएगा। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया, ये मेरी माँ की निशानी है, ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई थी मैं। हाँ तो मजा आया ना। हमेशा के लिए छोड़ के जाऊंगी ना, फिर लेते रहना मजे। मम्मी जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बेटा तू चुप रह, अटैक। कान खोल के सुन लो, अब जो मैं करूंगी ना उसे मजाक मत समझना, हाँ बस देखते रहना। पापा जी थैंक यू, पर आपने ये क्यों किया? अरे बेटा ये बिजली तो रोज मुझ पे गिरती रहती है, मैं नहीं चाहता था कि तेरे सर पे गिरे। After all, तू मेरी बेटी है ना। ओ पापा जी। वैसे भी डॉली की डांट खाना मेरे टाइम टेबल में था। क्यों पापा जी? वो खीर और किशमिश का तो पता चल गया, अब हलवे की मैंने क्या हालत की है ये अभी पता चलेगा। जसबीर जी। जसबीर वालिया, पति ऑफ डॉली वालिया। माया फिर से शुरू हो गई बर्नी लीला। इधर ये बर्नी रख ले। मम्मी जी ये क्या है ना माया, पहले मुझे इस बर्नी में ना मेरी माँ का चेहरा नजर आता था, अब इस बर्नी में ना मुझे तेरे पापा जी की मनुष्य सूरत नजर आती है। या तो तू बर्नी को रख ले
या फिर पापा जी को रख लें? हम बर्नी रख लेंगे। नो प्रॉब्लम। थैंक यू मम्मी जी। अब नानी का क्या करें? Bum 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 b